वायरस के चलते पूरे देश में लॉकडाउन है। चूंकि ये मौका देश के लोगों के सामने पहली बार आया है, इसलिए इसके बारे में आपके लिए जान लेना बहुत जरूरी है। इसके बारे में सही जानकारी होने से आपको इससे निपटने में काफी मदद मिल पाएगी। आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों करते हैं लॉकडाउन। किसी तरह के खतरे से इंसान और किसी इलाके को बचाने के लिए लॉकडाउन किया जाता है, जैसे कोरोना के संक्रमण को लेकर कई देशों में किया गया है। कोरोना वायरस का संक्रमण एक से दूसरे इंसान में ना हो, इसके लिए जरूरी है कि लोग घरों से बाहर कम निकलें। बाहर निकलने की स्थिति में संक्रमण का खतरा ज्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए कुछ देशों में लॉकडाउन जैसी स्थिति हो गई है। लॉकडाउन होने पर आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर दूसरी सभी सेवाओं पर रोक लगा दी जाती है। भारत में महाराष्ट्र, राजस्थान में सबसे पहले लॉकडाउन किया गया, उसके बाद पंजाब और उत्तराखंड में लॉकडाउन करने की घोषणा कर दी गई, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। किन देशों में है लॉकडाउन? चीन, डेनमार्क, अल सल्वाडोर, फ्रांस, आयरलैंड, इटली, न्यूजीलैंड, पोलैंड और स्पेन में लॉकडाउन जैसी स्थिति है। चूंकि चीन में ही सबसे पहले कोरोना वायरस संक्रमण का मामला सामने आया था, इसलिए सबसे पहले वहां लॉकडाउन किया गया। इटली में मामला गंभीर होने के बाद वहां के प्रधानमंत्री ने पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया। उसके बाद स्पेन और फ्रांस ने भी कोरोना संक्रमण रोकने के लिए यही कदम उठाया। कब कब हुआ लॉकडाउन? अमेरिका में 9/11 के आतंकी हमले के बाद वहां 3 दिन का लॉकडाउन किया गया था। दिसंबर 2005 में न्यू साउथ वेल्स पुलिस पोस्ट ने दंगा रोकने के लिए लॉकडाउन किया था। 19 अप्रैल 2013 को बोस्टन शहर को आतंकियों की खोज के लिए लॉकडाउन कर दिया गया था। नवंबर 2015 में पेरिस हमले के बाद संदिग्धों को पकड़ने के लिए साल 2015 में ब्रुसेल्स में पूरे शहर को लॉकडाउन किया गया था।